सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैलवर्ड। सो आपको लास्ट वाले वीडियो में याद होगा, हमने एल्फीड्रेन को पकड़ा था जो एक बहुत ही स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन है। उसके बाद हमने यूनिवर्ल्ड को भी पकड़ा था जो उससे भी स्ट्रांग पोकेमॉन है। एक्टिंग है। वैसे यार एल्फीड्रेन ने इसको बहुत कूड़ा था। चुप कर बे कुत्ते। एल्फीड्रेन एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन है, ऊपर से इसकी मैंने सैडल भी बना दी थी। सैडल से अब मेरा ये काम होगा कि मैं इससे कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। वैसे मेरा एक अंडा इनक्यूबेट हो रहा है, मैं उसको जाकर देख लूँ कौन सा पोकेमॉन निकलेगा। अबे अच्छा से कुछ देना, अब नूबड़ा तो देना मत। अबे सैलरी निकल, ओ चूना लगा दिया, नूबड़ा है। सो आप लोग को ये भी याद होगा कि मैंने ब्रीडिंग फार्म में अपना ब्रीडिंग करने के लिए बुशी और पैनकिंग को रखा था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना भाई। ये दोनों बॉस पोकेमॉन है, दोनों ने अपना काम तो पूरा कर दिया, मगर मैं अभी तक इनके लिए केक नहीं बना पाया। सो केक के लिए मेरे को कुकिंग पॉट बनाना पड़ेगा। सो कुकिंग पॉट कहाँ पड़ा है, ये रहा। इसकी आई मीन रेसिपी मेरे पास सब कुछ है। इसको मैं किस साइड बनाऊँ, तो इसको प्लेस करता हूँ मैं यहाँ पर। सभी लोग अब इसको बनाने आएंगे भाई। लोग सबसे बक्कर आओ, आई मीन सब बक्कर आओ, इसको जल्दी से बनाऊँ। हमको ये जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि अपना नया बेबी भी लेकर आना है ना। मेरे को जितना समझ में आया है कि इन दोनों की आई मीन ब्रीडिंग से हमें अनुबिस मिल सकता है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। अनुबिस इस गेम का मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है और ये है भी दोनों बॉस पोकेमॉन। इनका तो और ताकतवर होगा वो अनुबिस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो मैं उसको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, बस ये जल्दी से हो जाए और ये बन गया। अब मेरे को केक बनाना है। केक के लिए मेरे को मिल्क एग हनी चाहिए। शायद से वो मेरे दूसरे बेस में होगा, मैं एक मिनट देख कर आता हूँ। सो ये रहा मेरा दूसरा बेस। हनी मेरे पास हाई क्वालिटी पाल ऑयल है, ये हनी नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हनी मिल गया, हनी ये रहा, हनी हनी बनी तो हो गया। मेरे को दूसरी चीज़ें भी चाहिए ना। तो वापस तो मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले मेरे को अपना एक मेरे पास गाय थी उसको निकालना है, तो इसकी जगह गाय निकाल देते हैं। और चिकी भी अपने पास है ना, मैं पकड़ा तो था उसको मैंने स्टार्टिंग में। चिकी भी कहाँ चला गया, नहीं तो दोबारा से पकड़ लेते हैं। वैसे मेरे को लगता है मैंने अभी तक इतने पोकेमॉन्स पकड़ लिए और अभी तक चिकी भी नहीं पकड़ा। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। वो फुली यहाँ पर मेरे को चिकी पी मिल जाए, सामने घूम रहा है। एक मिनट, ओके नहीं यहाँ से अटैक तो लगने वाला है। एल्फीड्रेन को निकालता हूँ और बक्के चलता हूँ उसके साथ। सामने एक मेमोरिस्ट भी आ रहा है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ मगर मेरे को भी पंगे नहीं लेने। मेरे को चिकी पी पकड़ने आया हूँ, चिकी पी को पकड़ लूंगा मैं। ओके तो ये गया, ओके भाई पकड़ लिया इसको, तू जल्दी से आ जा। एक चिकी पी हो गया, इससे मेरे को अंडा तो मिल जाएगा ना, देखता हूँ। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर। ओके तो हो गया, अंडा भी मिल गया मेरे को। कितने अंडे चाहिए थे मेरे को, इतने भी चाहिए। मेरे को चिकी भी को मार ही देना है। अब अंडे का फार्म भी बना दूंगा मैं। एक और गया। सो अंडे मेरे पास चार हो चुके हैं वैसे। तो गाइस मैं दोबारा से अपने बेस पे आ चुका हूँ। मैंने कम से कम 11 अंडे तो ले लिए हैं। मेरी एक गाय भी घूम रही होगी यहाँ पर, वो देखो वो फार्म में खुद ही चलेगी। भाई तेरे से मैं दूध चाहिए मेरे को, मैं कैसे ले सकता हूँ वो। वैसे यहाँ पर क्या करना होगा। सो केक है मेरा ये वाला, मिल्क मेरे पास अभी एक ही है। सो आई थिंक ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगा मिल्क। एग मेरे पास इन्फानाइट, हनी भी इन्फानाइट और सब कुछ मेरे पास है। सिर्फ ये इसकी बात कर रहा है मिल्क की। तो जब तक मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तब तक मैं कुछ एक आधा पोकेमॉन ही मार आता हूँ। देखना पड़ेगा कौन कौन जिंदा है। ब्राउन चेरी एक्वा, भाई इसकी शामत शहर से आने वाली है। नहीं यार पेटालिया को मार के आते हैं सबसे पहले। भाई इसने मेरे को बहुत बार कूटा है, आज तो ये बचने वाला नहीं है। मैं अपनी टीम देख लूँ मेरे पास सभी अच्छे अच्छे पोकेमॉन आए ना, उसके बाद फिर मैं ब्राउन शेरी एक्वा को कूटने जाऊँगा। तब तक मेरा शायद से मिल्क भी काफ़ी सारा प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास गाय है ना। तो एल्फीड्रेन तू तैयार है ना। वैसे मेरे को ओसांडर लक्स को भी लेकर आना था मगर चल कोई ना, एल्फीड्रेन कूट दे इसको आज। आज पेटालिया की शामत आ गई है। ओके गई, पेटालिया को मैंने ट्रिगर कर दिया है, अब आएगी मन को मारने। वैसे मार तो पाएगी नीचे, नूबड़ी एक नंबर की। I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. I told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. And I know we just met. Yeah, yeah. But I heard that love at first sight ain't a myth. Oh no. Yeah, I wanna take you out on a dance floor, girl. I wanna hear you screaming out for some more, girl. I wanna do something that they call crazy. Call you my baby, my pretty lady.
I wanna be with you until we're fucking 80. I wanna watch the sunset with you daily. Keep my baby safe as we live, always chasing. Hearts racing when I'm with you, I'm just saying. Back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind, sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime. और भाई अल्फ्रेड में अच्छा काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा और घूमते हैं. I've been chilling on the coast with my home girl. The palm trees and the tide moving slow, girl. Back to my place, hey, you can call it home, girl. Pina colada, sun tap, we alone, girl. I want a piece of you, you want a piece of me. Ray Bans on, gotta block out the heat. I love your smile too, I've never felt so free. Bring it on, girl, work that body here to me. And I know that summer only lasts 3 months. अबे यार मर सकता हूँ, अभी मर सकता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है ब्रो. प्लीज प्लीज मेरे पास आसपास मत आ, मत आ ब्रो, मैं मर जाऊंगा. अब गया मैं भाई यार लास्ट पॉइंट पर आके जो मेरे को कूट देती है. हर बार ऐसा ही होता है, मैं नहीं अभी इसके साथ फाइट करने वाला, बाद में आऊंगा. तो पिटने के बाद अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ मैं. पहले देखता हूँ मेरे पास कितना मिल्क हो चुका है, अपने गाय गाय ने कितना मिल्क दिया है, फिर ही आगे चलूँगा. ओके तो अभी 2 मिल्क हुआ है, सिर्फ 2. अभी काफ़ी मिल्क चाहिए मेरे को, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, ये बाद में देखता हूँ मैं. शायद से नेक्स्ट वीडियो में हमारा बुशी आ ही जाएगा. इनकी ब्रीडिंग कम्प्लीट है, बस इनको केक चाहिए. अब देखना पड़ेगा क्या है, केक चाहिए ना. ना नॉट इनाफ केक, समझ गया मैं. तो केक बाद में देखते हैं. अपना लेजेंडरी सुजाकू भी अभी रेडी है, सुजाकू को लेके चलें इस बार. सो मैं अपनी टीम से किसी न किसी को निकाल रहा हूँ. कैटर्स बैंड को निकाल दिया. एल्फी ट्रेन तो मेरे को चाहिए. अब मैं जाने वाला हूँ नया पक्षी पकड़ने, नई बॉस पकड़ने, जिसका नाम है ब्राउन चेरी. मगर शायद से यहाँ से मैंने किसी पाल को किसी पाल को रिलीज़ कर दिया है. कोई पाल है अंदर की नहीं, ये बता दो बस मेरे को. शायद से अंदर दिख तो रहा है मेरे को, मगर कौन सा है ये मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को दिख गया यार. ये नहीं मेरे को चाहिए भाई साहब. पिंक शिप मिले और मैं लेकर ना जाऊँ, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है. इसको मैं लेकर ही चलूँगा. एल्फी ड्रेन थोड़ा सा देखना है इसको. मेरी बो निकालो, इसको भी निकालो और मारो इसको. मारो 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 एल्फी ड्रेन, पूरा मत मार देना जी, हमको घर लेकर चलनी है, ठीक है ना. और मारो और थोड़ा ही, थोड़ा सा ओके आ सकती है बेबी. फिर नो आ गई एल्फी ड्रेन. वापस आ जा आ जाएगी ना. अभी और डालता हूँ इसके ऊपर. अबे बॉल सी मेरी वेस्ट कर रही है ये, मेरे को मारना ही पड़ेगा इसको. ओके आ जा यार, क्या कर रही है, अब आएगी एल्फी ड्रेन. थोड़ा सा वापस आ, इनको मैं बाद में देखता हूँ, पहले मेरे को उसको देखना होगा. अबे यार इसको पकड़ना है मेरे को, मेरी बॉल्स वेस्ट हो रही हैं, मर जाऊंगा यार. ये ले रिलैक्सोसॉरस फ्री में पंगे ले रहे हैं. ये पिंक शीप को लेने के लिए इतने पंगे ले जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था. अब आ जाए प्लीज़, आ जा. अबे नहीं आ रही, अब आएगी. अबे यार ये अलग ही पंगे हो रहे इनके. आएगी, अब आ जाएगी प्लीज़. काफ़ी सारे रिलैक्सोसॉरस आ गए हैं पंगे लेने. आ गई. ओके चलो नोबड़ो, मैं चल रहा हूँ. मेरे पास वूली पॉप आ गया है. क्या कह रहा है, वूली पॉप आ गया क्या, आ गया है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. मगर जो भी है यार, फीमेल है कि मेल ये भी नहीं पता. ओ चिकी पी, तू भी थोड़ा सा रुक जा, ये आ जाए. ओके इसका भी काम हो गया. अब देखता हूँ मेरे पास कितना मिल्क हुआ है. अगर मेरा काम हो जाएगा इतना मिल्क का तो अच्छा ही रहेगा. तो अभी तक 4 ही हुआ है, सिर्फ 3 और बचे हैं. 3 जल्दी से हो जाए वो भी, फिर क्लियर है, फिर हम केक बना सकते हैं. पता नहीं केक को कितना टाइम लगेगा. मैं किसी बॉस फाइट करना चाह रहा हूँ, मगर कोई बॉस दिख ही नहीं रहा दूर तक. अभी दिख रहा है एक सामने. अब इससे पंगे लेते हैं, इसको कूट देते हैं. भाई ये छोटा सा डोरेमोन मेरे सुजाकू को क्या मार पाएगा. सुजाकू भाई निकल जाओ और इसको मारो यार. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latchet. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. नहीं तो ये तो मेरे हाथ में है ही है वैसे भी. ओके एक बार फिर से ट्राई करते हैं. इस बार अगर ना आया तो मैं दूसरी बार ट्राई नहीं करूँगा. ये तो गया बेटे शायद से. अबे आ गया यार, नूबड़ा गिरी होगी.
एक और बॉस को पकड़ लिया। वैसे मेरे पास एक रिंडाइल ऑलरेडी था, एक और पकड़ लिया तो मजे। ओके तो गाइस हमारा केक बनने के लिए रेडी है, इसको जल्दी से लगा देते हैं और अपना लेजेंडरी सुजाकु इसको करेगा। भाई जल्दी से केक बना, पता नहीं कितना टाइम लगा इसको। भाई इसको टाइम तो काफ़ी लगेगा मगर ये जल्दी बन ही जाएगा। तब तक मैं देख लेता हूँ मेरा बेस भी अपग्रेड होने वाला है कि नहीं, क्या चीज़ बनानी पड़ेगी जो बेस अपग्रेड कर पाएगी। तो मेरे को बनाया बेल्ट फ्लफी पाल बेड। गाइस मेरा वो बेड तो अनलॉक नहीं हुआ, मैं तब तक एक अपनी गन बना लेता हूँ अगर बेड नहीं हुआ तो। तो गन जेरी मेरी, इसके लिए मेरे को चाहिए, ओ भाई साहब काफ़ी इंगट और चाहिए, 18 मेरे पास है, इसका मतलब 6 इंगट और चाहिए। सामने से मिल जाएंगे वैसे मेरे को वो, यहाँ पर भी एक मैंने और देखा था। मेरा सुझाव केक बना दे, तब तक मैं फिर देख कर आता हूँ वो इंगट का क्या हुआ है सीन। इंगट मिल गए मेरे को, इंगट तो मेरे पास काफ़ी ऑलरेडी पड़े थे। सीन क्लियर है, अब मेरे को सिर्फ पाल ऑयल चाहिए है ना, वो मेरे दूसरे बेस में पड़ा है, मैं उसको जल्दी से लेकर आता हूँ। फिर मैंने ये भी सुना है कि अनुबिस की स्पीड बहुत अच्छी है ये चीज़ें बनाने के लिए। वैसे कैटरस बैन इसको जल्दी से बना, तेरे को ही पड़ेगा इसको बनाने के बाद। आई थिंक मेरा केक बन चुका है, देखना पड़ेगा शायद से, अभी केक बनने लगा नहीं था, मैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करने चला गया था उसलिए टाइम लग गया। तो जब तक ये हो रहा है मैं वेट कर लेता हूँ, फिर हम इस केक को वहाँ पर लगा देंगे। ओके भाई साहब मेरा केक तो बन चुका है, अब इनको ओके खिलाना पड़ेगा मेरे को जल्दी से। ये बड़ा ख़तरनाक काम हो गया भाई साहब, हर बार की तरह ऐसा ही कुछ होएगा अभी। चलो ठीक है, फिर रख देते हैं यहाँ पर हम केक, इसको खोलते हैं और पटक दो यहाँ पर केक। केक लग गया है, इन नुबड़ों ने खा भी लिया और अंडा भी आ गया, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ये अंडा मैं लगाता हूँ यहाँ पर, इसको अबे तेरी 2 घंटे लगेंगे भाई साहब, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा इसका मेरे को। तो चलो ठीक है, मैं इतना वेट नहीं करने वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा पॉकमन निकलेगा। वैसे मेरे तो पता जहाँ से अनुबिस ही निकलेगा, पता है ना, फिर तो कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने ऐसा अंडा निकाला जिससे हमें बहुत ही पावरफुल पॉकमन निकलेगा, सो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट पॉकमन को किल करने के लिए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।